Hello students, today we will do the topic how to divide two polynomials. इसके लिए हम पहले question लेके चलते हैं. हमें दो polynomials given है, एक px और एक gx. हमें px को gx से divide करना है. Division वैसे ही होती है जैसे हम दो numbers को divide करते हैं, बिल्कुल same वैसे ही. तो हम start करते हैं अपने polynomials को divide करना. हमें px को gx से divide करना है. तो px हमारा अंदर रहेगा, मतलब px इज द डिविडेंड एंड gx इज द डिवाइजर. अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा उसको हमेशा डिसेंडिंग पावर ऑफ डिग्रीज में लिखना है. जो डिग्री जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हमेशा उसको डिसेंडिंग पावर में लिखेंगे. तो हमारा gx को हम कैसे लिखेंगे, पहले x वाली टर्म फिर कॉन्स्टेंट, और ऐसे ही हम px को कैसे लिखेंगे, px इज पहले हाईएस्ट डिग्री फिर उससे कम फिर उससे भी कम. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू डिवाइड px बाय gx. तो हम px वाली टर्म अंदर और gx वाली टर्म बाहर, इनको हम डिवाइड करेंगे x प्लस वन. अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है x, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाए. x को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाए, किससे करेंगे, 3x से करेंगे. इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x. अब इस 3x को इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे. x इंटू 3x इज 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद 1 इंटू 3x इज 3x प्लस 3x, वो x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे. डिवीजन में जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम दोनों को माइनस कर देते हैं, तो यहां पर भी हम दोनों पॉलिनोमियल्स को माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे पॉलिनोमियल्स का. ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा x माइनस 3x इज माइनस 2x, और ऊपर जितनी भी टर्म्स बच गई है उनको एज इट इज नीचे उतार लेंगे. फिर से देखेंगे हम x को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस 2x आए. तो हमें मालूम है x को जब हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 2x आएगा. हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 2. अब माइनस 2 को पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2x माइनस 2, साइन चेंज, ये टर्म कट जाएगी और ये क्या बच जाएगा, 1. अब ये आगे इससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो 1 इज द रिमाइंडर एंड 3x माइनस 2 इज द क्वेश्चन. ये हमारे दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो गए. बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ. और क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है. डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1. बिल्कुल सेम ऐसे ही ट्राई करेंगे. अब हमें पहले देखना है क्या ये डिसेंडिंग पावर्स में है, जो इनकी डिग्रीज है. हाँ जी, वो डिसेंडिंग पावर में है तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं. हम इसको अंदर लिखेंगे 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और उसको डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से. अब अपने मन में सोचो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3x रेस्ट टू द पावर 4 आ जाए. रफ में आप करके भी देख सकते हैं x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x रेस्ट टू द पावर 4 आ जाए, 3x क्यूब से. तो यहां पर लिख देंगे 3x क्यूब. अब 3x क्यूब को पूरे डिविडेंड डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब. दोनों टर्म्स का साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा और ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा माइनस 1x क्यूब, और ऊपर जितनी टर्म्स बची हैं उनको एज इट इज नीचे उतार लेंगे. अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आए हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर से. तो हम x को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस 1x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. अब एक चीज ध्यान दो कि ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, इसलिए हम उसको अलग से लिखेंगे, उसको इनके नीचे नहीं लिखेंगे. फिर से साइन चेंज और ये कैंसिल. एक और चीज ध्यान रखने वाली है, जब हम इसको लिखेंगे तो पहले x वाली टर्म फिर 1 फिर x स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना. हमें इसको सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म, फिर उससे कम और फिर उससे कम. अब फिर देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए हमारे पास, माइनस एक्स से.
तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगेन साइन चेंज, ये कैंसिल और ये बन गया माइनस फोर एक्स माइनस वन। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस फोर एक्स आए, माइनस फोर से, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस फोर एक्स प्लस फोर, साइन चेंज, माइनस फाइव। अब ये टर्म छोटी है, एक्स ये इससे डिवाइड नहीं होगी, तो माइनस फाइव इज द रिमाइंडर एंड थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप अपने आप भी ट्राई करके देखो एक बार, तो इजी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन करना। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाय एक्स प्लस वन। अब उसने क्वेश्चन वही है, उसने हमें कहा है रिमाइंडर निकालो कि जब हम पी एक्स को एक्स प्लस वन से डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सेम हम डिविजन वाले मेथड से करेंगे, एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे और ध्यान रखना है कि पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे छोटी पावर, ऐसे ही डिवाइजर में भी पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म फिर उससे छोटे पावर वाली। अब एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब आए एक्स स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर यहां नहीं है तो उसको अलग से लिखेंगे, साइन चेंज। अब पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म फिर उससे छोटी, फिर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर आए माइनस एक्स से, तो यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब माइनस एक्स यहां नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स अलग से लिखेंगे क्योंकि एक्स वाली टर्म है नहीं यहां पर। फिर से साइन चेंज, ये कैंसिल, ये बच गया एक्स प्लस वन। एक्स प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स आए, वन से, तो ये बन गया एक्स प्लस वन, साइन चेंज, सब कुछ कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, जीरो। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था हम आंसर उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हमें पूछा था रिमाइंडर क्या है। अब ऐसे देख के किसी को नहीं मालूम कि कौन सा रिमाइंडर है, हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा। देयरफोर रिमाइंडर इज जीरो। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फोर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। आप साथ साथ अपने आप करो, इजी होगा क्वेश्चन करना, अब तक काफी प्रैक्टिस हो गई है आपकी। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स की पावर फोर आए, एक्स क्यूब से, तो यहां बन जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस एक्स क्यूब, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये बच गया टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें टू एक्स क्यूब आए, प्लस टू एक्स स्क्वायर से, तो ये आ गया टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, अगेन साइन चेंज, ये कैंसिल और यहां पर ये भी कैंसिल, क्या बचा एक्स प्लस वन। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स आए, वन से, तो यहां आ गया एक्स माइनस वन, साइन चेंज, रिमाइंडर क्या बचा टू। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द रिमाइंडर, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफोर रिमाइंडर इज टू। आई होप अब तक आपको डिवीजन क्लियर हो गई होगी, दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करना। अब हमारे पास नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। अगर हमारे पास पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन या वन से बड़ी है, एंड ए बी एनी रियल नंबर, और ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसको हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या कह रहा है, उसका रिमाइंडर क्या होगा जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं ना, उसको इक्वल्स टू जीरो रखो, यहां से एक्स कितना आ जाएगा ए,
तो वो कह रहा है कि हमेशा उसका रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मीन्स जो भी हमारा पॉलिनोमियल था उसमें एक्स को ए से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो जब भी हमें क्वेश्चन में अगर ये पूछा है ना फाइंड द रिमाइंडर, तो एक मेथड तो है आप डिवाइड करके देखो, और एक मेथड है आप डायरेक्ट पी ऑफ ए अगर निकाल लेते हो तो हमें पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या है। देखो हम क्वेश्चन करते हैं, चेक वेदर द पॉलिनोमियल क्यू टी इज अ मल्टीपल ऑफ टू टी प्लस वन और नॉट। हमें चेक करना है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं। मल्टीपल क्या चीज होती है? मल्टीपल मीन्स जब वो उसको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कुछ भी रिमाइंडर ना आए। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ये चेक कर लें कि इसका रिमाइंडर जीरो अगर आ जाता है तो इट मीन्स ये मल्टीपल है, अगर जीरो नहीं आता तो ये मल्टीपल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज आपको ये चेक करनी है कि ये जो आपका डिवाइजर है जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो वो आपको फर्स्ट डिग्री का ही लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना। तो आप क्या कहोगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम इफ वी डिवाइड क्यू ऑफ टी बाय टू टी प्लस वन देन द रिमाइंडर शुड बी, कितना होना चाहिए रिमाइंडर? अभी मैंने आपको बताया था जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल्स टू जीरो रखो, यहां से टी की वैल्यू निकाल लो, टी कितना आ जाएगा? माइनस वन बाय टू। तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए? जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें टी को रिप्लेस कर दो बाय माइनस वन बाय टू, दैट इज क्यू ऑफ माइनस वन बाय टू जो होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर इक्वल्स टू क्यू ऑफ माइनस वन बाय टू, पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर देते हैं टी की जगह, हर जगह माइनस वन बाय टू लिख देते हैं। फोर टाइम्स टी स्क्वायर है तो माइनस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस टी की जगह माइनस वन बाय टू माइनस वन, ये सॉल्व करके देख लेते हैं। फोर टाइम्स ये आ जाएगा आपके पास माइनस वन बाय एट प्लस फोर टाइम्स वन बाय फोर प्लस वन बाय टू माइनस वन, इसको कैंसिल कर देते हैं, आ गया माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस वन बाय टू माइनस वन। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया? जीरो। नाउ वी कैन सी दैट द रिमाइंडर इज जीरो, इट मीन्स क्यू टी इज अ मल्टीपल ऑफ टू टी प्लस वन। तो आप यही एज इट इज लिख दोगे। नाउ एज रिमाइंडर इज जीरो देयरफोर क्यू टी इज अ मल्टीपल ऑफ टू टी प्लस वन। मैंने आपको बताया जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है हमें आंसर हमेशा उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अब इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल डिवीजन से भी कर सकते हो, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आए वो लिख दो, और आप रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो। इस पहले तो हम इस पॉलिनोमियल का नाम कुछ रख लेते हैं, इजी हो जाता है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स, और जिससे डिवाइड करना है ना उसको इक्वल्स टू जीरो रख देते हैं। तो यहां से देख लेते हैं एक्स कितना आया, एक्स कम्स आउट टू बी ए। तो हम क्या कहेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम इफ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए रिमाइंडर शुड बी, क्या होना चाहिए रिमाइंडर? रिमाइंडर शुड बी एफ ऑफ ए। पूरे पॉलिनोमियल में एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? ए से। तो लिख देते हैं, तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? रिमाइंडर इक्वल्स टू एफ ऑफ ए
मतलब जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स की जगह ए लिख दो, है यहाँ था एक्स क्यूब मतलब ए का क्यूब माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ए माइनस ए, ये आ गया ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6 ए माइनस ए, ये कैंसिल, सॉल्व कर लिया हमने, 6 ए माइनस ए इज 5 ए, तो रिमाइंडर कितना आया 5 ए, और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा था फाइंड द रिमाइंडर, तो लास्ट में लिख देते हैं देयर फोर रिमाइंडर इक्वल्स टू 5 ए। और क्वेश्चन देखते हैं, चेक वेदर 7 प्लस 3 एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x और नॉट, हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर भी वही होता है, फैक्टर मीन्स अगर इसको डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, नहीं आता तो नहीं है। तो हम इस पॉलिनोमियल का कुछ नाम रख देते हैं, लेट एफ एक्स क्या है हमारा 3x³ प्लस 7x, उसको किससे डिवाइड करना है 7 प्लस 3x से, तो 7 प्लस 3x को इक्वल्स टू जीरो रख देते हैं, यहां से x निकाल देते हैं कितना आया x इज माइनस 7/3, तो हम क्या कहेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम इफ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय 7 प्लस 3x कॉमा रिमाइंडर शुड बी, क्या होना चाहिए रिमाइंडर एफ ऑफ माइनस 7/3, तो बस निकाल लेते हैं देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस 7/3, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं बाय माइनस 7/3, एक्स की जगह हम लिख देंगे माइनस 7/3, सॉल्व कर देते हैं, 7 का क्यूब कितना होगा 7 × 7 49, 49 × 7 मल्टीप्लाई करके देखो 63, 7 × 4 = 28, 29 = 30, 31 = 32, 33 = 343, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 343 अपॉन 3 का क्यूब इज 3 × 3 = 9, 3 = 27 माइनस 49/3, इस 3 को हम इससे काट सकते हैं, तो ये रह गया हमारे पास माइनस 343/9 माइनस 49/3 और यहां पर इस कैल्शियम ले लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 9 माइनस 343 माइनस 9 × 3 = 27 2 2 41 47, और ये सॉल्व करके देख लेते हैं 343 माइनस 147 कितना आया 196, ये बन गया माइनस 196/9। अब हमारा रिमाइंडर क्या आया माइनस 196/9, इसका मतलब रिमाइंडर इसका कुछ वैल्यू आ रही है वो जीरो नहीं आ रही, अगर जीरो नहीं आ रही इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देयर फोर 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। हमेशा मैंने आपको बताया क्वेश्चन उसी फॉर्म में लिखो, आंसर सॉरी उसी फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा था ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो लास्ट में हमने लिख दिया इट इज फैक्टर है तो लिख दो फैक्टर है, नहीं है तो लिख दो नहीं है। ऐसे ही अगर पूछा हो रिमाइंडर निकालो तो लास्ट में जरूर लिख के आओ रिमाइंडर कितना, ठीक है, एग्जामिनर को चेक करने में ईजी रहता है।